इस वानर के पार्श्व में अवश्य कोई महाशक्ति है। किसकी शक्ति हो सकती है ये? देख कपीश मह छवि शिवाय, वासुकी अचरज से भर आए। नाग देव निकट कपि आए, श्रद्धा सहित मस्तक को नमाए। क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपको मात्र मायावी वानर समझा। आप तो मेरे प्रभु महादेव के अंश हैं। एक बार पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था जब मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता शेष नाग से स्वयं को विशाल समझने लगा था, तो उसे प्रमाणित करने के लिए प्रभु महादेव ने मुझे अपनी कलाई का कंगन बनकर दिखाने को कहा, जिसे मैंने अभिमान पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे विशाल काय नाग के लिए तो ये साधारण सा कार्य है, किंतु जब मैंने स्वयं को प्रभु महादेव की कलाई में लपेटना आरंभ किया तो प्रभु महादेव ने महाविशाल रूप धारण कर लिया और अंततः मैं उनके चरणों में आ गिरा। उस दिन मेरे अहंकार को प्रभु शिव ने तोड़ा था और आज जब पुनः अहंकार ने मुझे घेरा है तो आपने उसे तोड़ दिया। कृपया अपना परिचय दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं वासुकी नागराज जी? आप मुझसे ज्येष्ठ हैं, मेरे समक्ष शीश झुकाकर मुझे लज्जित मत कीजिए। नाग श्रेष्ठ वासुकी जी, मेरा तो मात्र एक ही परिचय है, प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। और मेरे प्रभु के कार्य में अधिक विलंब ना हो जाए इसलिए उनके इस सेवक को अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिससे शतानंद का वध किया जा सके। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं शनि पाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से। तो भाभी माँ पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण।
तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम साफ, देखो मेरा प्रहार। वनवासी आप देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शतानुन तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो, अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से, शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, बुद्धू शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था, कहीं पुनः कोई अनिष्ट ना हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों, अब तुम भी नहीं बचोगे शतानन। लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है, किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण! <laughs>
लक्ष्मण, मेरे भाई। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण अपने नेत्र खोलो, लक्ष्मण, लक्ष्मण। वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो, ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब त्राशाई पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर, मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चहुं ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा। तुम्हारी क्रूरता, तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम, धर्म की अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी, फिर क्या धर्म और क्या अधर्म? तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शदानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्रीराम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज, नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, ये अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानंद के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। आप चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूँ, किंतु इसके लिए
मुझे उन सभी लोगों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोगों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूँ, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सात हूँ लोक के सात हूँ तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी, अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम, और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है, किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए। किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं ये अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नारायणास्त्र कहीं ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र, और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्वामी!
मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये नारायण अस्त्र। न जाने इस महाअस्त्र का क्या प्रभाव होगा शतानन और प्रभु श्री राम पर। अब तो जो भी होगा ये अस्त्र अवश्य ही निर्णायक मोड़ देगा इस युद्ध को। नारायण अस्त्र जो प्रयोगा ता दुष्प्रभाव श्री राम भी भोगा। दुष्ट शतानन भयो धराशाई ऊर्जा विहीन हुए रघुराई। राम सिया दो तन एक प्राण सुख दुख दो को एक विधाना। इत दशरथ नंदन खोई शक्ति उत सम मात पे आई विपत्ति। प्रभु भैया लक्ष्मण मैं तो 12वें आदित्य के लुप्त होने से पूर्व ही यहां पहुंचा हूं। फिर किसने और कैसे प्रभु और सेना की यह दशा की। व्यक्ति वही महान होता है जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं के भी ऊपर संकट आने से भयभीत नहीं होता।